हेलो एवरीवन बेटा हम लोग पहले पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लैंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस सीक्वेंस पे ईकोराई कैसे अपनी एक्टिविटीज शो करता है है ना तो अब हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में कि जो ईकोराई रिस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम है तो इसका नॉमन कैसे हुआ है ठीक है आपकी एन में ये डाटा दे रखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ई कोराई जो है क्या कहते हैं द कन्वेंशन फॉर नेमिंग एंजाइम्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ लेटर स्पीशियोटिक सेल्स एंड विच दे वर आइसोलेटेड फॉर एग्जाम्पल ई कोराई कम फ्रॉम एस एस्चिया कोलाई आर बाई थर्टीन इन राइट द लेटर आर इज डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ इसमें क्या होता है कि देखिए आप लोग थोड़ा सा ना ई स्टैंड फॉर जीनियस सी ओ स्टैंड फॉर स्पीशियस एंड आर स्टैंड फॉर रफ स्ट्रैंड हम लोगों ने पढ़ा था ग्रिफेथ एक्सपेरिमेंट में एक रफ स्ट्रैंड हमने पढ़ा था और एक हमने उसमें एक स्मूथ स्ट्रैंड पढ़ा था और एक रफ स्ट्रैंड पढ़ा था तो आई स्टैंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इन रोमन नोमरिकल्स एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो कंटेंट हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि जैसे ईक्लाई e जो होता है ठीक है ईकोलाई को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है ईकोलाई में से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स को रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स को ठीक है और हम लोग रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स आर एक्स्ट्रैक्टेड फ्राम बैक्टीरिया दैट इज इक्वल आई वाई रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम ऑलवेज इंसाइडेड बैक्टीरिया विच नेम इज इक्वल आई बिकॉज दे प्रोटेक्ट फ्राम वायरस राइट वेयर देयर इज अ वायरस इंसर्ट डी एन एंड रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स कट 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 कर देता है बात समझ में आ रही है आप लोगों को मतलब ई कोाई जो होता है क्या है मतलब जिस बैक्टीरिया से हम लोग ई कराई को एक्स्ट्रैक्ट करते हैं तो ई स्टैंडस फॉर जीनस उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है ई e, जिससे इकोलाई एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है राइट सी ओ स्पीशस वो बैक्टीरिया की स्पीशियस ठीक है और आर स्टैंड फॉर स्ट्रेंड आर स्टैंड फॉर रफ स्ट्रेंड एंड आई स्टैंड फॉर डिस्कवरी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इन रोमन नोमेरिकल्स हम लोगों ने कब इस पर्टिकुलर एंजाइम्स को ईक्लाई से एक्सट्रैक्ट किया है शायद आप लोग समझ गए होंगे ठीक है नो टू थर्टी स्ट्रेंड्स दैट राइट आप लोगों को बात समझ में आ रही है ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि टू थर्टी स्ट्रेंड्स को आइसोलेट करते हैं इक्वली से इन द मैनर ऑफ रिस्ट्रिक्श एंजाइम्स टू थर्टी स्ट्रेंड्स एंड फ्रॉम नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो जो नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इसमें से टू थर्टी स्ट्रेंड्स को हम लोग आइसोलेट करते हैं जैसे हाइंड सेकंड है हमारे पास हाइंड सेकेंड है ये जो हाइंड सेकेंड है ये एंजाइम है ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है फर्स्ट डिस्कवर टू बी आइसोलेटेड ठीक है जैसे हम लोगों ने क्या किया था नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए थे है ना एक से ऐसे ही फर्स्ट जो था वो हाइंड सेकंड था अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हाइंड फर्स्ट एंजाइम जो था वो क्यों नहीं था हाइंड वन इज नॉट वर्क प्रॉपरली रूल ऑफ नॉमन क्लेचर वर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड एट दैट टाइम इन पार्टिकुलर एरा हाइंड सेकेंड जो था वो वर्क थोड़ा प्रॉपर करने लगा तो पहला उसी को कंसिडर किया जाता है ठीक है रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इक्वलाई बैक्टीरिया ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि ईक्राई क्या है एक को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हमने स्पीशियस स्ट्रेन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इनमेरिकल्स ये समझ आ गया टू थर्टी स्ट्रेंड्स जो थे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स में से हम लोगों ने टू थर्टी स्ट्रेंड जो थे वो आइसोलेट किए थे जिसमें से फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम जो था वो हाइंड सेकेंड था ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई ठीक है अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डी एन ए बाई द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स यहाँ पर देखिए ना आप लोग जैसे मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि हम लोग कैसे रिकॉम्बिनेट डी एन ए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एनजाइम एंडो न्यूक्लियस विच इज नॉन एज ई ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सी है ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स इट विल इट विल ये थोड़ा सा ध्यान देना इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन मतलब न्यूक्लियोटाइड ठीक है फिगर देखिए यहाँ पर यह आपकी फ़िगर आ गई अकॉर्डिंग टू एन राइट ईच रिस्ट्रिक्शंस एंडो न्यूक्लियस रिकोगनाइज अ स्पेसिफिक प्लैंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस इन द डीएनए इस बात को आपने थोड़ा सा समझना है ये जो हमें ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए यहाँ पर एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया गया तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अब इसमें क्या होता है बेटा देखिए जैसे हमारे पास क्या है सिंपल हमारे पास क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए होता है मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए बैक्टीरियल सेल का डीएनए है ठीक है और एक हमारे पास ह्यूमन सेल्स का डीएनए है राइट right. अब क्या होता है कि एंजाइम एक ही है जिस एंजाइम्स का नाम है इकोरे e क्या नाम है एंजाइम का इकोरे e ये है एंजाइम एंजाइम का नाम दैट इज इकोरे अब क्या होता है द एंजाइम्स कट बोथ द स्ट्रैंड्स द एंजाइम्स कट बोथ द स्ट्रैंड्स एट द स्पेसिफिक साइट्स ठीक है जैसे हमारे पास क्या है हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ये जैसे हमारे पास आ जाता है वेक्टर डीएनए इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियल को हम लोग वेक्टर डीएनए बोल सकते हैं वेक्टर डीएनए ठीक है दैट इज प्लाजमेड ठीक है और इसको हम लोग बोल सकते हैं इकोराई कट देखिए इकोराई जो है ह्यूमन सेल्स में क्या करता है कट्स द डीएनए बेसिस बिटवीन जी एंड ए ओनली विन द सिक्वेंस गाटक इज प्रेजेंट इन द डीएनए बात समझ में आ रही है जैसे ह्यूमन सेल्स क्या है ये सोर्स है ठीक इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट right. ये हमने एक्सट्रैक्ट करके डीएनए निकाल दिया तो अब ये जो डीएनए होगा मानो ये हमारा डीएनए ऐसे है इस डीएनए के प्लेड्रोमिक सीक्वेंस पे या के कट करेगा ठीक है ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि एक साइड जो ये हमारे पास डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए है और एक साइड ये जो डीएनए है ये ह्यूमन डीएनए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा ई कोराई दोनों के सेम सीक्वेंस पे ठीक है सेम साइड पे जाके सेम साइड पे जाके कट करेगा ई कोराई जो होगा वो दोनों के सेम साइड पे जाके कट करेगा राइट अब इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डी बनाना है तो ये वाला जो है यहाँ पर देखिए ये डी जो है ये किसका है बैक्टीरिया का है और ये डीएनए जो है ये ह्यूमंस का है अब ह्यूमंस के गाटक साइड पे जाके इकोराइ कट करेगा और बैक्टीरिया के प्लाजमिड के गाटक वाली साइड पे जाके यहाँ पर भी कट करेगा तो देख लीजिए थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों के पास होना चाहिए बैक्टीरियल सेल्स के पास भी और ह्यूमन डीएनए के पास भी होना चाहिए इन्जाइम सेम होगा और सेम प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर ई को रई कट द डी एन ए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली वेन द सवेंस गाटक इज प्रेजेंट इन द डीएनए तो ये आ गया ना फॉरन डी एन ए मतलब किसके रिस्पेक्ट में प्लाजमिट के रिस्पेक्ट में ये फॉरन डी एन ए आ गया तो फॉरन डी एन ए को कहाँ से कट कर रहा है ये देखिए ये इसको कट कर रहा है इसके टर्मिनल साइड से एक्जो न्यूक्लियस से कट कर रहा है इसको यहाँ पर भी देखिए एक्जो न्यूक्लियस से इसको कट कर रहा है ये याद रखना है कि प्लेड्रोमिक सिक्वेंस पे जब भी एक्ट करेगा ईकोराई तो वो उसके एक्जो न्यूक्लियस पार्ट पे कट करेगा इन बिटवीन जी एंड ए इन दोनों के बीच में जाके कौन से बॉन्ड ब्रेक करेगा बॉन्ड ब्रेक करेगा फासफो डाइस्टर बॉन्ड ठीक है तो इन बॉन्ड को ब्रेक करके इसने दो पीसेस बना दिए यहाँ पर ऐसे देख लीजिए एक ये बना दिया और एक ये बना दिया दो पीसेस बना दिए तो अब ये दोनों एंड कैसे आ गए स्टिकी एंड आ गए सबको पता हमने ऑलरेडी पढ़ा तो स्टिकी एंड कौन से एंड होते हैं आप लोगों को पता है कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है कम्प्लीमेंट्री एंड की जरूरत होती है मतलब डी एन ए फ्रेगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड्स राइट तो अब क्या होगा डी एन ए फ्रेगमेंट जो होंगे वो स्टिकी एंड पे जाके जॉइन करेंगे तो हमने बनाना क्या था प्लाजमेट के साथ फ़ौरन डी एन ए को जुड़ाना था तो जब उसके स्टिकी एंड बन गए यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन स्टिकी एंड पे जाके कौन सा एंड जुड़ेगा बनेगा रिकॉम्बिनेंट एंड मतलब ये वाला डी एन ए इसके ऊपर जाके जुड़ गया तो हमने यहां हम पर ये चीज सीखी है तो हमने यहां पर क्या देखा कि फ्रेगमेंट एट स्टिकी एंड्स ठीक है मतलब अनस्टेबल एंड्स आपस में जुड़ेंगे और वो क्या बन जाएगा हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब वेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स रिजल्टेंट डी एन ए फ्रेगमेंट रिजल्ट क्या आएगा डीएनए फ्रेगमेंट द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी ज्वाइन टूगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेस तो यहाँ पर लाइगेस इंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा जो इनको आपस में जुड़ाएगा और इकोराइ कट द टू स्ट्रेंड ऑफ डी एन ए बैक्टीरियल सेल्स डी एन एंड ह्यूमन सेल्स डीएनए ठीक है बट फर्स्ट बाइंड प्लेड्रोमिक सिक्वेंस एंड गॉट टू स्टिकी एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स एंड ऑफ दीज कंप्लीमेंट्री एंड ज्वाइन टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डी एन ए तो अब हम लोग देखेंगे कि लाइगेस का क्या फंक्शन होता है आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बना लिया हमने बनाना कैसे था मतलब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो हमारा सेल्स था जो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता था तो उसको हमने ईकोलाई के प्लाजमेड में हमने ऐड किया और दोबारा उसको हमने इंसर्ट कर दिया इकोलाई में और वो डुप्लीकेट करके आगे फर्दर कॉपीज बनाने लगा तो सिंपल यहाँ पर फॉरन डी को होस्ट डी के अंदर होस्ट सेल्स के अंदर इंसर्ट करना उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए तो हमने बना लिया रिकॉम्बिनेट डीएनए फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं